इस लोटस टेम्पल में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, जापान के हो, भारत के हो, इंग्लैंड को, किसी भी देश के हो या फिर किसी भी धर्म को मानने वाले हो, इस लोटस टेम्पल में सभी का स्वागत है। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्त? सच बताना आज बहुत खुश थे। आज क्या होता है ना, हम पहले गाँव में रहते थे, गाँव से भी जल्द आज ही आए हैं यहाँ दिल्ली में। तो हम सोचे यार क्या किया जाए कि ना लोटस टेम्पल घूमा जाए। बस लोटस टेम्पल घूमने के लिए निकल चुके हैं, बस बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आप लोग को भी दिखाने वाले हैं। देखो हम आपको कुछ बता देते हैं, अगर आप लोटस टेम्पल घूमने आते ना तो आपके पास मास्क होना चाहिए और आपके पास जो बैग है, लगेज है, उसमें सामान में ज़्यादा कुछ चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, उन सब चीज़ों को आपको नहीं लाना है। और जो भी है, सबसे पहले बात का आपके पास मास्क होना चाहिए, वरना आप लोटस टेम्पल दूर से ही देख सकते हैं, अंदर आपको आने की इजाज़त अनुमति जो एंट्री आपको नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए हम आपको बता दें कि लोटस टेम्पल घूमने एक दो लोग नहीं, हजारों लाखों लोग आए होंगे, लेकिन हम जो आपको जो चीज़ बताने वाले हैं ना, वो आपको कोई बता नहीं सकता। जो आप लोटस टेम्पल देख रहे हैं, इसकी स्थापना है, यहाँ पे किसी भी धर्म के, किसी भी जात के लोग आते हैं, तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, अपनी श्रद्धा में हम टेम्पल देख चुके हैं दूर से। चलिए आपको पास से दिखाते हैं, अंदर से भी दिखाते हैं क्या क्या है। चलो फिर चलते हैं। देखो अगर आप लोटस टेम्पल आते हैं ना, तो आपको जूता आपको थैले में रखना पड़ेगा, फिर लाकर के यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, फिर आपको एक टोकन दिया जाएगा, कुछ किस प्रकार का टोकन रहेगा, फिर जाकर के आपको इस आउटसाइड से जाकर के आपको शूज लेना पड़ेगा रिटर्न आने के टाइम पे। सच में यहाँ का जो नियम है ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हम देख रहे हैं, पता नहीं आप देखे हो कि नहीं, फिर दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ हम ओवर ब्रिज पे आ चुके हैं, इस साइड भी वाटर है, पानी है, और इस साइड भी पानी है, और इधर आप तो देख ही रहे कि लोटस मंदिर है। चलते हम भी अंदर दर्शन कर लेते हैं। सच में ना किसी जगह पे ऐसे जाओ जहाँ पे आप बहुत जाने के लिए उत्साह हो, उतावले हो, बट वहाँ पे अगर पहुँच जाओ ना, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फिर आपको दिखाते हैं। अंदर आप जाकर ये बोल नहीं सकते, आपका फोन ऑन नहीं रहेगा, साइलेंट ही रहेगा, ग्राउंड ही रहेगा, फ्लाइट मोड पे रहेगा, आपको फोन अलाउ वहाँ पे चलाना अलाउ नहीं है, फोटो आप क्लिक नहीं कर सकते हो और ना ही वहाँ पे आप शोरगुल कर सकते हो। इस मंदिर को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग, किसी भी प्रथा के लोग, सबके लिए यहाँ पे शांति और एकता का प्रतीक है ये। टेम्पल जिन शासकों द्वारा बनाया गया, बधाई धर्म के शासकों द्वारा बनाया गया, इसका बनाने का एक ही पर्पस, एक ही रीजन है कि यहाँ पे शांति हो, यहाँ पे शांति का और एकता का प्रतीक है। किसी भी जात के लोग, किसी भी धर्म के लोग हैं, सभी के लिए एक समान है। यहाँ पे आने के बाद आपको शांति का ही प्रतीक आपको मिलेगा, इसीलिए लोटस टेम्पल को बनाया गया है, कमल मंदिर को बनाया गया है। इसके पीछे बनाने का यही पर्पस है कि किसी भी जात पात के लोग, किसी भी धर्म के लोग हैं, सबके लिए समान है और शांति बनाए रखने का है। इस लोटस टेम्पल में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, जापान के हो, भारत के हो, इंग्लैंड को, किसी भी देश के हो या फिर किसी भी धर्म को मानने वाले हो, इस लोटस टेम्पल में सभी का स्वागत है, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए समान बनाया गया है। यह लोटस टेम्पल एक शांति का प्रतीक है, इसे बधाई धर्म के द्वारा बनाया गया है।
देखिए ये भाई आसाम से हैं और ये भी हमारे साथ एक यूट्यूबर ही है हमारे जैसे। देखिए आसाम से आ गए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, तो हम यूपी से नहीं आ सकते यार। हमारी तो राजधानी, हमारे भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये यहाँ दिल्ली तो है, तो हम क्यों नहीं आ सकते। ये भाई आ सकते तो हम भी आ सकते हमारे वीडियो में घूमने के लिए। देखिए फिलहाल हम तो लोटस टेम्पल घूम चुके हैं, अब फिर रिटर्न जा रहे हैं। हम तो लोटस टेम्पल घूम चुके हैं, अब रिटर्न जा रहे हैं। अब चलते वहाँ पे जहाँ पे हमने शूज जमा किए थे, जहाँ पे हमारा शूज जमा हो गया था। अब भाई यहाँ से अपना शूज लेते हैं, क्योंकि नंगे पैर ना बहुत दर्द हो रहा पैरों में, तो चलते हैं। बहुत टाइम हो चुका है, भूख भी लग गई बहुत जोरों से, कब से आए हुए यहाँ पे। तब चलिए हम अपना शूज लेते हैं, यहाँ पे टोकन देना पड़ रहा। हाँ भैया जी, ये मेरा टोकन, हाँ P2 P-2 देख लीजिए। देखो मेरा शूज आ रहा है, वो देखो वहाँ पे इतनी इज्जत से रखा गया है मेरा शूज, क्या बता रहे भैया जी। मेरा शूज कहाँ आ रहा है, मेरा शूज सच इतना जोर भूख लगाना थक गए पूरा। थैंक यू भैया। अगर टोकन नहीं होता पक्का मेरा शूज चेंज हो जाता, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे शूज है। लेकिन सच बता रहा है, यहाँ पे घूमने के बाद ना दिल पूरा गार्डन गार्डन हो गया है, सच बता रहे हैं। जिंदगी में हमने कुछ नेक काम किए होंगे, कुछ पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, जो यहाँ पे लोटस टेम्पल घूमने का मौका मिला है। सच में धन्य हो गए हम तो, हमारा जीवन तो धन्य हो गया। तो यार लोटस टेम्पल हम घूम लिए, सच में बहुत थक गए। अब चलते हैं कुछ नारियल पानी या सिकंजी वगैरह पीते, भूख भी बहुत जोर लग गई आप देख सकते सच में। चलो यार यहाँ से सिकंजी भी पी लिए, क्योंकि बहुत धूप है, ज्यादा पी नहीं सकते। फिर चलो अब चलते अपने रूम पे। फिलहाल ऑटो से नहीं तो हम तो बस से आए, तो बस ही चलेंगे। तो अपने रूम पे आ चुके हैं, अब चलो भाई पंखा चालू कर लेते हैं। सच में थोड़ा गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर लेते हैं और आराम से फिर अब चल रहे कुछ खा पी लेते। सच में बहुत थक चुके हैं एकदम ज्यादा, मतलब नींद बहुत आ रही, थक चुके हैं पूरा। मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए टाटा बाय बाय।